मोदी को नुकाना है। तीन चार महीने हो गए हमारे भाई बंद दुखी बहुत हो रहे, बूढ़े ठेरे यहाँ पड़े हैं, उसका बड़ा भी तरस नहीं आता। अरे क्या आँख मीच रहा है, वो कुछ भी नहीं तरस लेता, के करके मानेगा बेचारे आड़ा बूढ़े ठेरे पड़े जे। अगर वो नहीं मानता तो क्या कब तक बैठे रहोगे आप? हम नहीं उठा करते, चाहे साल भर बीत जाओ चाहे दो साल बीत जाओ, हम नहीं उठा करते, नहीं पीछे हटेंगे। नरेंद्र दामोदर दास मोदी को किसान आंदोलन के माध्यम से आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? हमारा मैसेज है, हम प्रधानमंत्री मोदी जी को हमारे तीनों कानून का वापस, थोड़ा जोर से बोलिए, तीनों कानून वापस होने चाहिए, एमएसपी की गारंटी होनी चाहिए, आराम अपने घर नहीं करते, अपने बच्चों ने संभाल लें। दोबारा से नाम बोलिए। सतबीर। तो ये थे सतबीर जी, जो किसान आंदोलन के माध्यम से नरेंद्र दामोदर दास मोदी को कहना चाहते हैं कि अपने काले कानून वापस ले लीजिए। आप में से कोई और बोलना चाहेगा? मैं ये बोल रहा हूँ, आप बताइए सबसे पहले आपका नाम क्या है? महेंद्र सिंह जी। महेंद्र सिंह जी, आप कहाँ से आए हैं? हम मोगा से आए हैं, मोगा डिस्ट्रिक्ट, मोगा पंजाब से आए हैं। हाँ जी। तो किसान आंदोलन में आप क्या क्या एक्टिविटीज कर रहे हैं और नरेंद्र दामोदर दास मोदी से आप क्या चाहते हैं? कोई बात नहीं, आप हमारा 100 वर्ष से 100 दिन से ऊपर हमारा हो गया, थोड़ा जोर से बोलिएगा, 100 दिन से ऊपर आंदोलन हमारा किसानों का हो गया चलते को, तो किसानों अपनी आंदोलन के इसीलिए कर रहे हैं कि जो तीनों कानून मोदी जी ने लागू किया किसानों पर, ये जितना देर ये रद्द नहीं हो जाते हम यहाँ दिल्ली छोड़कर घर को नहीं जाएंगे। ये बहुत बड़े कानून है, कहीं लागू हो गया तो किसान मर जाएंगे, मजदूर मर जाएंगे, व्यापारी मर जाएंगे, सारा काम खराब हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ऐसे मारू कानून है जो तीनों जो। तो आप दोबारा से अपना नाम बोलिए प्लीज। महेंद्र सिंह जी। महेंद्र सिंह जी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी को भी अपनी तरफ से जो पंजाब से मोगा से आए हैं किसान आंदोलन में कहना चाहते हैं कि अपने काले कानून वापस ले लीजिए, अन्यथा देश का आम गरीब आदमी खत्म हो जाएगा। आप बोलेंगे तो क्या बोलना चाहेंगे नरेंद्र दामोदर दास मोदी को? हम यही बोलना चाहते हैं प्रधानमंत्री को, ये तीनों काले कानून वापस लिए जाएं और एमएसपी पर कानून बनाया जाए, और हम ये 3 महीने से यहाँ बैठे हैं, जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे हम घर वापस नहीं जाएंगे। आपका नाम? बलजीत, बलजीत मलिक। तो ये थे हरियाणा के किसान बलजीत मलिक जी, जो नरेंद्र दामोदर दास मोदी को अपना मैसेज देना चाहते हैं कि काले कानूनों को वापस ले लीजिए। मैं प्रवेश कुमार, समता आवाज़ टीवी के लिए, कुंडली बॉर्डर हरियाणा सोनीपत। राजेंद्र जी, आप क्या मैसेज देना चाहते हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी को? ये देना चाहते हैं जी, ये मोदी साहब कहते हैं मैं मन की बात करता हूँ, वो अपने मन की बात नहीं करता, अंबानी और अडानी के मन की बात करता है ये, और हम यहाँ पर आए हुए हैं किसान पंजाब से हरियाणा यूपी से, हम अपना हक लेकर जाएंगे, और ये कह कहता है MSP देता हूँ रहेगी, ये लखतम में क्यों नहीं दे रहे इसको, लखतम में दे दो या हमारी सारी मंडियों को ख़त्म कर रहा है, इससे भारी नुकसान हरियाणा सरकार हरियाणा प्रांत पंजाब सभी को होगा, क्यों इसमें जो टैक्स आता है वो ख़त्म हो जाएगा, बाहर की खरीद होगी उसमें टैक्स खत्म हो जाएगा, हमारे विकास रुक जाएंगे, सारे सभी विकास रुक जाएंगे, गाँव में गलियाँ बनवानी है, लाइट का प्रबंध करना है, नाली बनवानी है, खेतों में सब विकास भी खत्म हो जाएगा, ये सारे देश को बेचना चाहता है बीजेपी सरकार, सारे देश को बेचना चाहती है, इन्हें बहुत मत में बेच दिए है, और सुनो हमारे बच्चे 80% हरियाणा पंजाब से बच्चे मिलिट्री के अंदर है, और ये हमारे पास मैसेज आ चुके हैं, अगर हमारे साथ को हरकत होगी तो वो बच्चे वहाँ पर भी बॉर्डर से हटने के लिए तैयार है, हमारे बूढ़े बुजुर्ग को ऐसा कोई भी हरकत ही न कर देना, वहाँ से हटने के लिए तैयार, मैसेज आ चुके सबके पास, हम बॉर्डर की कोई रक्षा नहीं करेंगे,
हमारी रक्षा करेंगे। हमने कोई ये बर्बाद कर रहा है, व्यापारियों को बेचना चाह रहा है। अगर नरेंद्र दामोदर दास मोदी अपने ये जो कानून आपके एंटी बनाए हैं किसानों के, अगर ये वापस नहीं लेता है तो आप कब तक यहाँ पर बैठे रहेंगे? हम 2024 तक यहाँ बैठे रहेंगे। और 2024 में क्या करोगे आप? इलेक्शन होंगे, इलेक्शन होंगे, इसकी सरकार को पलट देंगे और अपनी किसान की सरकार बनाएंगे। आप दोबारा से अपना नाम बोलेंगे? राजेंद्र सिंह नाम है मेरा। राजेंद्र सिंह जी, समताबाज टीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे राजेंद्र सिंह जी, सोनीपत हरियाणा से किसान, जो कि अपने आवाज़ बुलंद करके किसानों के हक में नरेंद्र दामोदर दास मोदी को कह रहे हैं कि अपने काले कानून वापस लीजिए, अन्यथा हम 2024 तक यहीं आंदोलन करते रहेंगे और आपकी सत्ता को पलट के दम लेंगे। मैं प्रवेश कुमार, समताबाज टीवी के लिए, कुंडली बॉर्डर, सोनीपत हरियाणा, दिल्ली रोड। माता जी, हाँ। क्या नाम है आपका? सावित्री। सावित्री, हाँ। नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या बोलना, आपने क्या मैसेज देना? मोदी को न्यू कहना है, आके 3-4 महीने हो गए, हमारे भाई बंद दुखी बहुत हो रहे, बूढ़े ठेरे यहाँ पड़े हैं, उसका बड़ा भी तरस नहीं आता। अरे क्या आँख मीच रहा है, वो कुछ भी नहीं तरस लेता, के करके मानेगा, बेचारे आड़े बूढ़े ठेरे पड़े जे। अगर वो नहीं मानता तो क्या, कब तक बैठे रहोगे आप? हम नहीं उठा करते, चाहे साल भर बीत जाओ चाहे 2 साल बीत जाओ, हम नहीं उठा करते, नहीं पीछे हटेंगे। दोबारा नाम बताएंगे अपना? अरे मोदी कद आवेगी तने सोदी। नहीं, आपका नाम दोबारा से बोलो अपना। सावित्री। सावित्री, हाँ। तो ये देखिए, ये है माता जी जो किसान है, सावित्री जी इनका नाम है, बुजुर्ग माता जी है, जो मोदी को अपना मैसेज दे रहे हैं समताबाज टीवी के माध्यम से, हाँ। कि अपने काले कानून वापस ले लें, हाँ। बैठे हैं आंदोलन में, जब इतने आंदोलन लागे रखेगा प्लस 6 महीने साल लग जाए, एकता में रहेगा, कानून रद्द करा के रहेगा। आपका नाम क्या है? हरियाणा यूपी सब कट्ठा है बैठा। आपका क्या नाम है? निशान सिंह है, चितवाल मोगा जिला है जी। हाँ निशान सिंह जी, आप पंजाब से आए हैं? हाँ पंजाब से आए हैं जी। तो आप किसान आंदोलन के माध्यम से नरेंद्र दामोदर दास मोदी, भारत के प्रधानमंत्री को क्या बोलना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं? सर में चुत्ती मार रहे हैं सारा किसान, किसानी में सब छिगस में लड़ेगा, इसका कानून रद्द करा के जाएगा, बैठा है बैठा रहेगा, मच्छर खाएंगे खा लेंगे, फसल थे खाने पीने के लिए की कोई कमी नहीं है, सारे किसान बैठे हैं, जुड़कर बैठे हैं, हरियाणा पंजाब यूपी सब, आप दोबारा से अपना नाम बताएंगे? दोबारा से नाम बताएंगे? निशान सिंह है जी हमारा नाम। निशान सिंह जी, आपका समताबाज टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे निशान सिंह जी, जो कि नरेंद्र दामोदर दास मोदी को किसान आंदोलन के माध्यम से मैसेज देना चाहते हैं कि अपने काले कानून वापस ले लीजिए, अन्यथा हम सदा सदा यहाँ संघर्ष करते रहेंगे और आपसे काले कानून वापस लेते रहेंगे, लेकर जाएंगे। सभी गांव का एकाठ है, सारे गांव में आ रहे हैं, पंचायतों में। मैं प्रवेश कुमार, समताबाज टीवी के लिए, कुंडली हरियाणा, सोनीपत, युवा किसान है, आपका शुभ नाम? नमस्कार सर, आपसे पहले नमस्कार, मेरा नाम सुनील मलिक। हाँ सुनील मलिक जी, आप नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या मैसेज देना चाहते हैं और क्या चाहते हैं उससे? हम सबसे पहले तो हमारा प्रधानमंत्री है, थोड़ा जोर से बोलिएगा, हमारा प्रधानमंत्री, हम आदर पूर्वक सम्मान करते हैं, हमने ये सोच के बनाया था कि वो हमारे हित के लिए काम करेगा, उन्हें कहा था कि हम काले जब हमारी सरकार आएगी हम जनता को तो रोजगार दे देंगे, अच्छे दिन आएंगे, आज भी अच्छे दिन आए, आज किसान सड़कों पर बैठा हुआ है, और हमारी को मतलब हर एक की तो मतलब रोजगारी आमदनी है वो बेरोजगार दिन प्रतिदिन बेरोजगार होते जा रहे हैं, और किसान दिन प्रतिदिन गरीब होता जा रहा है, हमारे आज तक कुछ काम नहीं गया हमारा।
और कुछ? और कुछ ये हमारा, ये हमारा समाधान काल ये कानून वापस ले ले, हम इसकी दोबारा इसके हम इसमें इसमें प्रदा मिल जाए, इसमें इसमें कि क्या कानून बना दे हमारे एमएसपी को, मतलब कानूनी जमा पढ़ा दे, हम यही चाहते हैं, यही अनुरोध हमारा। अगर ये वापस नहीं लेता है कानून तो आप ये क्या बोलोगे? ये माधरना चालू रहेगा भाई। अच्छा, कब तक चालू रहेगा? जब तक ये सरकार निगम खत्म नहीं होगी इतनी। तो मतलब आप 2024 तक जो है धरने पे बैठे रहेंगे, बैठे रहेंगे हम। और इलेक्शन के समय में इनको क्या करोगे? इसका हम सपोर्ट नहीं करेंगे, हम धूल चुटा दोगे। धूल चुटा दोगे? धूल चुटा देंगे इसको। तो दोबारा से अपना नाम बोलेंगे आप? मेरा नाम सुनील। सुनील आगे मलिक। तो ये हैं हरियाणा के युवा किसान, भावी सरपंच, जो पीछे से आवाजें आ रही हैं। ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी से अपील कर रहे हैं कि अपने काले कानूनों को वापस ले लीजिए, अन्यथा हम 2024 तक यहीं पर धंधे पर बैठे रहेंगे और आपको इलेक्शन में धूल चिटाकर छोड़ेंगे। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।